रही है गुड मॉर्निंग और बज रहे हैं इस वक्त 12। आज वीक में छुट्टी थी, वीक डे में छुट्टी थी, तो मैंने सोचा आज कुछ वीडियो भी शूट कर लें और मैं आ गई आप लोगों के पास। और आते के साथ ही पता चला कि बहन आई है, तो ऑफ कोर्स वैसे मैं बना रही थी अनार का जूस और मुझे अनार छीलते हुए वाकई बहुत मौत आती है। मुझसे अनार नहीं छीलते, मुझे अनार छीलने नहीं आते, बट मैंने एक यूट्यूब पे देखा था वीडियो जिसमें उन्होंने बड़े तरीके से अनार छीला था। तो रुको, ये लाइट आ रही है, बंद कर दो। तो उन्होंने बहुत तरीके से अनार छीला था, तो मैंने सोचा कि मैं भी वैसे ट्राई करती हूँ। अब देखते हैं कि अनार छीलता है कि नहीं। वैसे एक मैंने छील लिया अपनी तरीके से, उसके बाद मैंने देखा अनार छीलने का तरीका और अब मैं वैसे अनार छीलूंगी। अभी आज मेरा काउंटर खाली नहीं है, इसलिए उसके लिए माजरत, सारा कुछ भरा हुआ। तो जो तरीका मैंने देखा था वो ये था कि ये जो अनार की है ना, इसको ऐसे करके निकालेंगे, ऐसे, बल्कि इसको यहाँ ले आती हूँ ताकि आराम से दिख जाए। ऐसे कटेंगे, उसके बाद इसको ऐसे किया, ऐसे, हाँ, कितने आराम से कट गया यार। और अब हम इसको दाने निकाल लेंगे। वैसे अनार, फाल से, जामुन ऐसी चीज है जो खाने से ना जबान छिल जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसका जूस निकाल के पी लूँ। क्योंकि एक दफ़ा खाने के बाद दोबारा खाने की हिम्मत नहीं रहती, तो मैं सीज़न का एक ही दफ़ा खा पाती हूँ। सही है, इसको ऐसे करके काफी आराम से छिले। वैसे ही अच्छा तरीका है उन लोगों के लिए जिन्हें मौत आती है अनार छीलने में। अब तो छिलवा लो, जो चाहे, जो जितने चाहे छिलवा लो। खैर, मेरा एक रीजन ये भी है कि मैं अनार इसलिए नहीं खाती कि छीलने बड़े मुश्किल होते हैं।
मेरी मम्मी कहती तुम्हारे बहुत नखरे, और घूमो भी क्यों नहीं, आफ्टर ऑल घर में सबसे छोटी हूँ तो नखरे तो होंगे। बारह बज गए, ये मैं छील इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं इसका जूस बनाऊंगी, अनार के जूस के वैसे हैं तो काफी सारे फायदे। सबसे ज्यादा पहला फायदा तो यही है कि ये लो बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और हाँ मेरा बीपी मोस्टली लो ही रहता है, मोस्टली तो नहीं खैर मेरा रहता ही लो है, मैं 160-190 पे रहती हूँ, तो मेरे लिए अच्छा है। यहाँ से मैं सारा छील के और फिर मैं आती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी इसका जूस। बीच में मेरी वीडियो अटक गई थी तो बीच का रिकॉर्ड नहीं हुआ, आ रही हूँ मैं। मैंने छील लिए, अब इसके अंदर मैं इसका जूस बनाऊंगी। ये मैं डाल दी हूँ इसके अंदर और अब शोर बहुत सारा होगा क्योंकि बहन आ गई। यस जूस बना रही है, जूस की वीडियो बना रही है। हाँ वीडियो भी बना रही हूँ, टाटा कर दो। हाय वो निकल गया। इसको निकालूंगी मैं छानने। चलो फिर निकल जाएंगे बीज। बीज छन जाएंगे फिर हम इसमें डालेंगे चीनी और इसके अंदर डालेंगे नमक और काली गरम मसाला, नहीं काला नमक। वाह करके
क्या बना रही है? जूस बना रही है। अनार का ऐसे करके जान निकाल दो। पहली दफा नहीं मैंने बेसन बना गिलास दे दो तुम दाने खिलाओ अब इसमें मैं डालूंगी काला नमक फिर मैं डालूंगी व्हाइट नमक और उसके बाद मैं डालूंगी पीसी हुई चीनी और इसे करूंगी सर्व। कैसा है? मजे का है, मजे का है। सब सही है? हाँ। क्या हुआ? ओए आलू के पराठे एक उतार लिया, एक उतर रहा है। यम्मी यम्मी। बह गया। ये मैंने बेला था इसलिए ये ऐसा हो गया। बेचारे की शक्ल कबाजा बच गया। Unfortunately, भांजे आलू पराठा खा रहे हैं। ये हमारा रात का डिनर रोटी के साथ। और ये रही मेरे पास मरियम, नहीं माहीन और मैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है आप लोगों ने। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। कल से बैक टू रूटीन। अल्लाह हाफिज़। कॉकरोच आ गया मेरे कमरे में, इतना मोटा और ऊंचा सा, वो भी उड़ने वाला। निकला भी कहीं।
देखो कितने हैं।